सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम आ गए एक और नए व्लॉग में। तो अभी मैंने चाय नहीं पी, तो अभी मैं चाय गर्म करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो अभी गाइस, मेरे पापा ने भी एक चैनल खोला है यूट्यूब का, जिसके अंदर वो हमारे देवी पूजक समाज की वीडियो भेजते हैं, जिसके अंदर हमारा जागरण और सब कुछ जो स्टोरी होती है वो होता है। तो अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो देख लेना आप। उसके अंदर बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहली वीडियो हमने भेजी 1 घंटे 43 मिनट की, 1 hour and 43 minutes, तो इतने ही भेजी। तो उसके अंदर 40 घंटे 14 hours वॉच टाइम मिल गया 255 व्यूज में। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आपको सब्सक्राइब करना है तो कर दो वो वाला चैनल भी, और मेरे को भी कर दो साथ साथ। तो मैं चाय भी लेता हूँ, चाय गर्म हो चुकी है। तो वैसे भी मैंने चाय नाश्ता कर लिया है, तो अभी मेरे पापा भी गए काम पर, तो अभी मैंने चाय नाश्ता तो कर लिया है। तो मेरे को भी चोर बाजार भी जाना है, क्योंकि मेरे को एक ट्राईपॉड लेना है और मेरे पापा को भी एक ट्राईपॉड लेना है, क्योंकि वो भी वीडियो बनाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इन लोगों को देखो, अभी तक सो रहे हैं, मतलब कि कुछ भी। और चलो गाइस, थोड़ी देर के बाद में मिलता हूँ, मेरे को ट्राईपॉड भी लाना है। तो मैं फ़ोन नहीं ले जा सकता, व्लॉग नहीं बना सकता चोर बाजार में, मैं पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि वहाँ पे पता है कैसा है, कोने में ले जाते मारते पहले, तो उसके बाद फोन लेते और जो हमारे पास होता है सामान वो ले लेते। कुछ ऐसा है वहाँ का, मतलब माहौल कुछ ऐसा है खराब। तो यहाँ पे जाओ तो अकेले मत जाओ, किसी के साथ ही ले जाओ। दिल्ली जहांगीरपुरी चोर बाजार अगर आपको जाना है तो चलो गाइस, थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, अभी मैं चोर बाजार जाके आया हूँ, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं एक ट्राईपॉड लेके आया, रुक जाओ। ये हमारा पुराना ट्राईपॉड, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ, ये मैंने लिया था 250 रुपये का, नहीं 300 रुपये का ऑनलाइन से, ठीक है। और उसका डबल देखो इससे कितना बड़ा है ये। और ये वाला आप गेस करो कितने का होगा। चोर बाजार से लेके आया हूँ मैं, और मेरी मम्मी अभी आ रहे हैं, उनको भी दिखाऊंगा। पहले मेरी मम्मी को आ जाने दो, फिर मैं प्राइस को मतलब बोलता हूँ कितने का है। तो देख सकते हो कितना बड़ा है ये ट्राईपॉड और कितना मोटा है। तो चलो थोड़ी देर के बाद में मिलता हूँ आपसे। तो गाइस देख सकते हो, अभी अपने भाई युवराज आए यहाँ पर। ये मेरे अमन भाई है बड़े। तो क्या कर रहा था इतने दिनों से तू? हाँ? क्या कर रहा था इतने दिनों से? पहली बार खेल रहा था बस इतने दिनों से, और घर पे पड़ा हुआ था, मुझे जुकाम और खांसी हो गई है। स्कूल नहीं जाता, बस मुझे तो कुछ। तो ये अपनी रितिका बहन, ये अपनी रितिका बहन है। तो क्या कर रहे थे इतने दिनों से अपनी बहन? तो गाइस ये देख सकते हो, अपनी टकली क्यों हुई थी पहले तो तू मेरे को ये बता। मेरे बाल की इसको गर्मी लग रही थी ना, गर्मी बहुत ही। इसके बाल पता है कितने बड़े थे? आप देखो यहाँ पे फोटो दिख रही होगी, तो इसके बाल इतने ज्यादा बड़े थे। तो ये टकली हो गई क्योंकि तो अभी इससे तो बात हो गई। तो चलो इससे बात करते हैं। गाइस ये पागल है। तो गाइस ये स्कूल नहीं, क्या बोलूं, स्कूल जाती है, हाँ ट्यूशन जाती है। तो गाइस ये फुल इंग्लिश बोलती है सस्ते ऐसे करके। ये देखो इनके चेहरे देखो, इनके चेहरे देखो, चेहरे देख के बात करो क्या। अभी मैं तो डर गई। तो चलो गाइस थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। सो गाइस मैं चोर बाजार गया था, तो मेरी मम्मी मेरे को ढूंढने के लिए चले गए। हालांकि मैं पूछ के गया था कि मैं जाऊँ या नहीं, तो उन्होंने बोला चला जा थोड़ा जल्दी आ जाइयो, पर मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वहाँ पे ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। बहुत ज्यादा ही दुकान लगी थी, बहुत ज्यादा ही मतलब कि क्या बताऊँ, बहुत बड़ी दुकान, बहुत ज्यादा ही पूरी भर गई थी दिल्ली जहांगीरपुरी चोर बाजार। तो चलो अभी वो आएगा तो मैं दिखा दूंगा ट्राईपॉड कैसा है कैसा नहीं। तो चलो मिलते हैं बाद में। सो गाइस रुक जाओ, मैं एक बंदा दिखाता हूँ आपको जो सुअर जैसी आवाज निकालता है। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग चल रहा है, पीछे आप देख सकते हो गाजी आवाज वाला। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर रुको, ये ओ इधर आ। देखो गाइस ये आवाज कैसी निकालेगा, निकाल एकदम सुअर
गाइस इसके लिए एक लाइक बनता है, इसका टैलेंट देखो आप, बहुत ज्यादा टैलेंट। सो गाइस अभी हम सभी लोगों से पूछते हैं उनका टैलेंट क्या क्या है, तो चलो पूछते हैं कौन, नितिका और युवराज और क्या नाम ये सोनाक्षी, उन सबसे पूछते। इसका टैलेंट देख सकते हो, ये डांस करती है, था थी। तेरा टैलेंट सबको हंसाने का टैलेंट, ओ जीभ जीभ पे मोड़ना, ये तो मेरे को भी आता है गाइस, अगर आपको आता है तो बोलो, दोनों साइड मोड़ लेता हूँ मैं। और ये देखो, ये बस दुनिया में 2% लोग कर सकते हैं, मैंने वीडियो देख रखी है, तो देखो जैसा बन गया ना वो, नहीं बन रहा इसका टैलेंट, नहीं हो रहा मेरा टैलेंट है, मैं और ये तो सब कर लेता है, मैं भी कर लेता हूँ। मेरा दिल गाइस ये डांसर बनना चाहती है बड़ी होकर, शायद से मेरे को नहीं पता क्या, मैं बताऊँ आप सौरभ जोशी की वीडियो देखते हो तो बताओ, ये एक सौरभ जोशी की बहन है। सो गाइस अभी मेरे पापा आ गए हैं, तो ये खास करके मेरे पापा के लिए लेके आया था, उन्होंने बोला था आप बोलो ये कितने का होगा, इसका साइज देख के आप बोलो, ये छोटा वाला और ये वाला, साइज बोलो आप, साइज देख के बोल रहे हैं 450 के लेके 500 के बीच, नहीं अभी जो मैं लेके आया वो कितने का है, ये वाला 450 के आसपास, नया नहीं पुराना बोल रहा हूँ मैं, हाँ ना 150-200 रुपए का, ये मैं ले गया 30 रुपए का, देखो गाइस साइज देखो, ये है अपना कितने का, इसके ऊपर वाला भी था पर ये अपना 250 रुपए का है, नहीं 300 रुपए का है, और इसका साइज देखो क्या फर्क है साइज में, साइज देख के बात करो, देख सकते हो गाइस मेरे को बहुत बढ़िया लगा है, अगर आपको लेना है तो आ जाओ दिल्ली जहांगीरपुरी चोर बाजार। सो गाइस अभी मैं खाना बाना खा लिया है, तो अभी मैं चोर बाजार से ये लेके आया, देखो ट्राइपॉड तो लेके आया था आपको, आपने जैसे कि देखा, और ये ऊपर का जो नहीं था ट्राइपॉड का, तो ये भी मैं लेके आया, 20 रुपए का मेरे को ये पड़ गया ऊपर का, और ये नीचे वाला 30 का, तो ये पूरा ट्राइपॉड मेरे को पड़ गया 50 रुपए का, 50 का हो गया ये, तो चलो गाइस अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, तो अभी मैं जा। सो गाइस ये है हमारा दूसरा दिन, तो कल का व्लॉग और आज का व्लॉग मैं जोड़ रहा हूँ साथ में, तो अभी मैं जा रहा हूँ हमारे घर पर, जहाँ पे वो हमारा पैंट हो रहा है जो हमने दे रखा था, तो उस घर में मैं जा रहा हूँ, तो चलो चलते है। देखो ये रितिका बहन ने बनाई अपनी कारीगरी, ये देखो ये हाथ, ये हाथ तो मैंने बनाया है, ये तो मेरे को अभी भी याद है, और ये मैंने बनाया है। तो चलो घर दिखाते हैं हम अपना, देखो क्या कहना चाहोगे इतने दिनों बाद, तो यहाँ पे अभी पैंट का काम चल रहा है, और ये हमारा एसी, मेरे पापा गए थे सीढ़ी लेने पेंटिंग, मतलब ऊपर जो कर रहा है ना उसमें जीना, हाँ जीना लेने गए हैं वो, कुछ काम तो होगा मेरे को नहीं पता क्या, तो यहाँ पे हम कौन सा कलर कर रहे हैं, कलर कौन सा, नींबू कलर, नींबू आता है नींबू वाला कलर, येलो ब्लू येलो कलर, येलो कलर कराएंगे उसके मिलता जुलता ही होगा, नींबू के तो 3-4 कलर होते हैं, ग्रीन भी होता है और कभी ब्लू भी हो जाता है, ऐसा होता है गाइस। तो देखो गाइस मैं ऐसे करता हूँ कि मेरी दादी का घर दिखाता हूँ ऊपर, क्योंकि मेरी दादी देखो मुझे आपको पता होगा, तो अगर हम होते तो जरूर बच जाते, क्योंकि दादी हमारे पास ही रहते थे शुरू से, हमारे पास ही, देखो ये कुर्सी में बैठते थे ये वाली, और अभी यहाँ पे ताले लग चुके हैं, ताले तो नहीं कुंडी लग चुकी है, यहाँ पे मेरे अभी चाचा रहते जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, और ये देखो रसोई, और दादी के जाने के बाद ये देखो क्या हाल हो चुका है, नहीं तो ये सब कुछ सही रहता था, हम पहले क्या करते थे फोन इधर टीवी से चिपका देते थे, सेलो टेप से कार्टून दिखाते थे, और हमें ना कार्टून देखते थे, यहाँ पर टीवी था फिर भी, मतलब उस टाइम पे हमारे पास स्मार्ट टीवी नहीं था, डब्बे वाला टीवी था, आपको तो पता होगा वो जमाने वाला, और ये देखो व्यू,
झड़ गया मेरा। और गाइस हम इस घर में 5-6 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि अभी ये बहन अपनी नीचे जा रही है, रितिका बहन छोटी सी नन्ही सी। तो ये जो कूड़ा कबाड़ा दिख रहा है आपको, ये सब हट जाएगा। मेरे पापा भी आ गए, देख सकते हो। कलर कौन सा करा रहे? देख लो भाई कौन सा, मेरे को नहीं पता। ये कलर नहीं है, ये तो बस ऊपर लगेगा, क्योंकि है ना ये सब कुछ कलर छुप जाए, देख सकते हो। और अभी आपको घर एकदम बेकार लगेगा। जब हम शुरू शुरू में आए थे घर में, तब ऐसा लगता था पुराने दिन याद आ गए। सो गाइस भविष्य है अपने घर पे, वो अकेला नहीं है, उसके साथ मानव है। मानव मतलब जो भी अपने आयुष भाई भी आ चुके हैं। चश्मा देखो, जो कुल्फी की तिल्ली आती है इससे बनाया वो, पता नहीं कोई सी तिल्ली से बना रखा है ये। पहले मैं भी बहुत ज्यादा बनाता था, टूट गया। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर पे कुछ काम से, तो गाइस चलो अभी हम लोग चलते हैं। अभी घर पे है तो मैं भी आ रहा हूँ। सो गाइस अभी मैं घर पे आ चुका हूँ। ये है अपने मानो भाई, जो इसका मैं आपको बता रहा था। वो मेहंदी क्यों लगाई इसने हाथ में? अरे वो मेहंदी नहीं, ओम। चलो कोई बात नहीं, हमें हिंदू है तो ओम तो होना चाहिए, सही बात है ना। लाइक करे, सब्सक्राइब करे, सब्सक्राइब। सो गाइस देख सकते हो फाइनल लुक, फाइनल लुक में अभी थोड़ा सा ही हुआ है, और भी करना है। देखो बना दो अपने ठेकेदार कारीगर है अपने, जो कि कलर कर रहे हैं। ये देखो ठेकेदार, ये अपने ठेकेदार भाई है जिन्होंने ठेका ले रखा है, काम बढ़िया करते है। देखो इसमें आपको कलर अलग दिखेगा फोन में, ठीक है। मेरे पापा बोल रहे हैं कि ये वाला कलर जो है ना, ये थोड़ा पुराने टाइप का लग रहा है। ये मेरा दिया गया है, बहुत ज्यादा गाढ़ होना चाहिए, यही तो बोल रहे हैं सब। बहुत ज्यादा मतलब गाढ़ा हो गया ये कलर, गाढ़ा। सो चलो गाइस आज के ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तो चलो गाइस सब्सक्राइब कर देना ब्लॉग अच्छा लगा है तो। नहीं लगा है फिर भी कर देना, इससे बढ़िया ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा आगे। और आज भी मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि आ जाएगा जल्दी। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो बाय बाय।